डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पे। चलिए, जैसा कि हम लोग 12th क्लास में फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का एक टॉपिक के बारे में बात किया था कि कोई भी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होता है, उसका हम लोग व्यंजक भी प्राप्त किया था। आगे हम लोग टॉपिक करेंगे इस फिजिक्स के पार्ट में परिनालिका में ऊर्जा घनत्व, यानी कि कोई भी परिनालिका में ऊर्जा घनत्व कितना होता है। तो सबसे पहले एक चीज लिखा जाए, हम जानते हैं कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटा एल होता है। हम जानते हैं कि चुंबकीय परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित किया जाता है, तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटा में एल होता है। इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इस एल को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एल बराबर म्यू नॉट एन आई होगा। अच्छा, एक और चीज कि अगर हम लोग यहां से आई का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो म्यू नॉट एन को क्या करेंगे, डिवाइड करना चाहेंगे, इसलिए जो आई का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, बी एल बटा म्यू नॉट एन, यानी कि ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये फार्मूला जब हम लोग जानते हैं उससे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई बराबर डी एल बट्टा म्यू नोट इंटू एन। ठीक है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि चुंबकीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं, यू से। फार्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ये होता है। यहां उसके नीचे लिखिएगा, यहां एल बराबर क्या फार्मूला होता है, एल बराबर फार्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। यहां पे आप फार्मूला लिख लीजिएगा, ये तो चुंबकीय ऊर्जा का फार्मूला है, हम सब फार्मूला याद दिला रहे हैं। ये चुंबकीय ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, जो हम लोग प्रूव भी किए हैं, और एल का मतलब होता है स्वप्रेरकत्व, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बटा एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा में एल, ये फार्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा में एल, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि ये आई का मान और ये वाला एल का मान चुंबकीय ऊर्जा वाला समीकरण में पुट करते हैं वैल्यू, तब हमें निकलेगा कि आखिर परिनालिका में ऊर्जा घनत्व कितना होता है। ठीक है, तो अब उसके नीचे क्या लिखेंगे, टॉपिक यही रहेगा, लिखिएगा आई तथा एल का मान, क्या लिखेगा एरो देकर, आई तथा एल का मान चुंबकीय ऊर्जा वाले सूत्र में रखने पर, जब अगर सूत्र क्या है चुंबकीय ऊर्जा का, यू बराबर, अतः लिखेगा, अतः फार्मूला क्या है यू का, हाफ एल आई स्क्वायर, तो हम लोग एल के जगह पे कितना रखेंगे, इतना। इसीलिए हम लोग बोले कि आई तथा एल का मान, यानी कि ई वाला आई का मान और ये वाला एल का मान, दोनों हम लोग चुंबकीय ऊर्जा वाला फार्मूला में सूत्र में रखेंगे, तो क्या बनेगा, देखिए हाफ इंटू एल, एल के जगह पे कितना, तो इतना म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल, और इसका फार्मूला क्या था, तो बी एल बटा म्यू नॉट एन, ये फार्मूला था। ठीक है,
अब इस फार्मूला में देखिए, हम आई का भी मान रख दिए, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये तो आई का मान था, उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए। जब हम लोग इसको वैल्यू रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा जरा फिर से देखते हैं। तो इस अब कुछ इस तरीके से बन रहा है, हाफ इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल इंटू इसका क्या होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर, सबका स्क्वायर होगा म्यू नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन चीजों को देखिए तो कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है। कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट रहा है, फिर एक एल से एक एल से एक एल ठो कट रहा है, और म्यू नोट से एगो म्यू नोट कट रहा है, अब तो कुछ नहीं कट रहा है। तो कुल मिलाकर हमें कितना आ रहा है, वन बाई टू और ए बी स्क्वायर एल, ए बी स्क्वायर एल बटा कुछ नहीं बन रहा है म्यू नॉट बन रहा है, ठीक है। अब इतना चीज करने के बाद अब जरा ए के बारे में पता करते हैं कि ए क्या है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है जिसको ए बोलते हैं, और एल का मतलब परिनालिका का लंबाई, और बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और म्यू नॉट तो स्थिरांक है, इसका वैल्यू होता है। तो चलिए अब यहां पे चूंकि प्रूफ करना है हमें क्या ऊर्जा घनत्व कितना होता है, किसका, परिणालिका का। हर एक चीज पे आपको समझ रहा है कि हम किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं। उसके पहले हम लोग निकाले थे कि चुंबकीय ऊर्जा का मान कितना होता है, तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि परिणालिका का ऊर्जा घनत्व कितना होता है, ठीक है। तो परिणालिका का ऊर्जा घनत्व में ऐसा ही कुछ स्टेप्स को आपको अपनाना पड़ेगा, हालांकि अभी आया नहीं है। परिणालिका का ऊर्जा घनत्व को निकालने के लिए क्षेत्रफल और लंबाई को एकांक माना जाता है, याद रखिएगा, क्षेत्रफल और लंबाई को कितना माना जाता है, एकांक। एकांक का मतलब एक यूनिट। तो अब आप क्या लिखिएगा यहां पे, अब या फिर लिखिएगा उसके नीचे, यदि परिणालिका का लंबाई, परिणालिका का लंबाई तथा क्षेत्रफल को एकांक किया जाए तो, एकांक किया जाए तो, यानी कि किसको किसको एकांक करना है, तो परिणालिका के लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को एकांक करना है। इसलिए हम बोलेंगे कि ए का वैल्यू भी वन रखना है और एल का भी वैल्यू वन रखना है, तब क्या आएगा, तो वन बाई टू इंटू ए के जगह पे भी वन इंटू बी स्क्वायर इंटू वन बट्टा म्यू नॉट। तो कुल मिलाकर कैसे आ रहा है जरा देखिए, तो कुल मिलाकर हमें जो परिणालिका का जो ऊर्जा घनत्व मिला वो क्या मिला, बी स्क्वायर बट्टा टू म्यू नॉट, यही है क्या, तो परिणालिका का ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो ये क्या है, परिणालिका का ऊर्जा घनत्व। अगर कोई पूछेगा कि परिणालिका का ऊर्जा घनत्व प्रूफ कीजिए कि बी स्क्वायर बटा टू म्यू नॉट होता है, तो हम लोग ऐसे ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों का जो विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में जो ऊर्जा घनत्व तो आता है वो कितना आता है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है कब का, ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है किसमें, विद्युतीय क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। और हम लोगों का अगर पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कितना होता है, तो बी स्क्वायर बटा टू म्यू नॉट। और ऊर्जा घनत्व जो है विद्युतीय क्षेत्र में कितना होता है, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना चाहिए, तो इन बातों को आप ना नोट में करके लिखिए, एन ओ टी ई नोट में लिखा जाए, एरो देकर इधर, यहां विद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का मान, विद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का मान, विद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का मान
वन बाई टू एप्सिलॉन ई स्क्वायर होता है, वन बाई टू एप्सिलॉन ई स्क्वायर होता है, जबकि जबकि चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का मान, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का मान बी स्क्वायर बटा टू म्यू नॉट होता है। देखिए ये म्यू नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां लिखे क्या बी स्क्वायर बटा टू म्यू नॉट होता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स को देखें। चलिए अगले टॉपिक्स पे आते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक्स है दो परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण। यानी कि हम लोग पहले हम लोग क्या सीखे कि एक परिनालिका है और एक परिनालिका के वजह से उसमें कितना अन्योन्य प्रेरण होता है। लेकिन इस बार क्या टॉपिक्स है कि हमारे पास दो परिनालिका है तब उसका अन्योन्य प्रेरण कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों इसमें कोई एरो देकर कोई बात नहीं लिख रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट है उसको हम लोग को समझना है और एक फार्मूला, इसका प्रूफ रूफ नहीं आता, फार्मूला को आप सिर्फ लिख लीजिए याद रखने के लिए। तो ये आप समझिए कि दो परिनालिका आखिर बनेगा कैसे। तो जरा समझिएगा, फिगर आपके सामने है, एक बेलन लिया गया और एक बेलन का जो एरिया है वो कितना है, ए है, बेलन का क्षेत्रफल ए है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना वो ए है, ए का मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। और क्षेत्रफल में ये कोई ए क्षेत्रफल वाला बेलन लिया गया, सबसे पहले इसके ऊपर तार लपेटा गया है। देखिए आप ब्लैक वाला जो देख रहे हैं ना, ये टर्न्स यानी कि ब्लैक वाला तार लपेटा गया, तार लपेटने से तो वो परिनालिका तो बन गया ना। अब परिनालिका बन गया, कितना परिनालिका, एक परिनालिका। लेकिन दोस्तों इस बार क्या किया जा रहा है कि एक और वायर लेना है, एक तार लेना है। अब वो जो तार लपेटे है ना उसके ऊपर ये ब्लू वाला लाइन्स देख रहे हैं, ये ब्लू वाले लाइन्स देख रहे हैं ना, ये क्या किया तो ये भी उसके ऊपर से लपेट दिया गया है। यानी कि ब्लू वाले लाइन्स को बोलेंगे कि ये द्वितीय कुंडली है, यानी कि ये दोबारा लपेटा गया है, ठीक पर है। यानी कि ऐसा परिनालिका जिसमें एक बार तार को लपेटने के बजाय उसके बाद भी, देखिए परिनालिका यहां से यहां तक है, ये सब परिनालिका है, ये परिनालिका का यहां से यहां तक है टोटल, लेकिन हम लोग लपेटे हैं ब्लैक वाला इतना एल लंबाई में, एल लंबाई में ब्लैक वाले को लपेटे हैं और ब्लू वाले लाइंस उसके बीच में लपेटे हुए हैं, ठीक है। तो हम यहां बोल रहे हैं कि ब्लू वाले लाइंस जो उसके ऊपर लपेटा गया है इसको द्वितीय कुंडली कहते हैं और इसमें जो फेरों की संख्या है उसको एन एस से सूचित करते हैं, एस का मतलब सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है, एन एस, और इसको बोलते हैं द्वितीय कुंडली। अब जरा इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, जो एक बार बेलन पे लपेटा गया स्टार्टिंग में तो उसको प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, उसको एनपी से सूचित करते हैं उसका फेरों की संख्या। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम यहां से ये पता चल रहा है कि अगर कोई दो परिनालिका रहेगा, दो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरण अगर सवाल में पूछेगा या फिर हमें फिगर बनाने के लिए अगर आ जाए तो आप ऐसा ही बनाइएगा, एक बेलन उसके ऊपर एक वायर और फिर उसके ऊपर एक वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो परिनालिका बन गया और दो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरण का जो फार्मूला होता है आप यहां देख पा रहे होंगे, अन्योन्य प्रेरण को एम से सूचित करते हैं। ये कितना परिनालिका के वजह से है तो दो परिनालिका के वजह से है, एक का नाम एनपी है और एक का नाम एनएस है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एनपी इंटू एनएस इंटू ए बट्टा एल, ये फार्मूला होता है किसका, तो ये अन्योन्य प्रेरण का फार्मूला है। किसके वजह से, किसके लिए, तो दो परिनालिका के लिए, दो परिनालिका के लिए ये फार्मूला है म्यू नॉट एनपी एनएस इंटू ए बट्टा एल, जहां एनपी का मतलब क्या है, एनएस का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है। तो जहां एनपी बराबर लिख लीजिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एनपी बराबर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और एनएस में लिखिएगा, इसके नीचे जो एनएस है इसमें लिखिएगा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। ए का मतलब क्या,
परिनालिका का क्षेत्रफल, ए मतलब परिनालिका का क्षेत्रफल और एल मतलब परिनालिका की लंबाई। तो इस टॉपिक्स में हम लोग फिगर को देखें कि ये हम लोग दोहरे परिनालिका बना रहे हैं और इस दोहरे परिनालिका के वजह से हमें कितना अन्योन्य प्रेरण होता है। अन्योन्य प्रेरण को एम से सूचित किया जाता है और एम का फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू एनपी इंटू एनएस इंटू ए बट्टा में एल। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक्स। चलिए उसके बाद जो हम लोग टॉपिक बनाते हैं उसका नाम है बहुत इंपोर्टेंट, जिसका बोलते हैं भंवर धारा। यानी कि ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो कई बार सवाल बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए इस टॉपिक्स को हम लोग वीवीआई करेंगे। तो टॉपिक बनाएंगे भंवर धारा। भंवर धारा, अब भंवर धारा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एडी करंट, ई डबल डी वाई सी यू डबल आर ई एन टी, एडी करंट दैट इज अ वीवीआई पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भंवर धारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर से जरूर आता है, इसलिए इस टॉपिक्स को हम लोग वीवीआई कर देंगे और इसके नीचे फर्स्ट एरो देकर कुछ बात लिखेंगे, फिर हम लोग उन चीजों को समझेंगे। चलिए तो लिखा जाए फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में फोको नाम है वैज्ञानिक का, फोको ने पाया कि कोई धातु का टुकड़ा बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे भंवर धारा कहा जाता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे ये धाराएं चक्करदार होती है। बताते हैं ये सब क्या है। ये धाराएं चक्करदार होती है, इसलिए इन्हें भंवर धारा कहा गया। नेक्स्ट एरो देंगे लिखेंगे भंवर धारा को फोको धारा भी कहा जाता है। भंवर धारा को ये वाला फोको धारा भी कहा जाता है। चलिए अब जरा हम लोग भंवर धारा को समझते हैं कि भंवर धारा क्या है। ठीक है, देखिए बोला क्या गया कि अगर कोई एक धातु का टुकड़ा लेना है, ठीक है, धातु का टुकड़ा लेना है, कब लेना है, जब बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र रहे। बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या कि गतिशील कोई चुंबक है, ये तो हम लोग ऑलरेडी शुरू में ही पढ़ लिए हैं कि फैराडे ने बताया था कि अगर एक चुंबक को लेकर आप अगर किसी कुंडली के सापेक्ष या उसके दूर जाएंगे या उसकी ओर आएंगे तो उसमें ऑलरेडी क्या आएगा, करंट आएगा, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग भंवर धारा किसको कहेंगे। तो मान लिया कि एक बदलता हुआ कोई चुंबकीय क्षेत्र है। अब बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या,
ऐसा माना जा रहा है कि ये सब क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये देखिए आधा जो है बाहर है और आधा अंदर है, का मतलब क्या कि चुंबकीय क्षेत्र जो है बदल रहा है। बदल रहा है का मतलब आप अगर चुंबक को एक जगह से दूसरे जगह अगर दौड़ाएंगे, चुंबक को एक जगह से दूसरे जगह दौड़ाएंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी दौड़ेगा साथ में। तो इसीलिए बोला गया कि यहां पे जो मान लिया कि कोई एक धातु का टुकड़ा है, और धातु का टुकड़ा अगर यहां पे है, ये क्या है तो ये चुंबकीय क्षेत्र है जो वी वेलोसिटी से आगे भाग रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर कोई धातु का टुकड़ा रख दिया जाए तो इसमें जो धारा होती है ना, उस धातु में धारा जो उत्पन्न होती है वो चक्करदार धारा उत्पन्न हो जाती है। हम लोग तो जानते हैं कि अगर किसी चुंबक को तेजी से दौड़ाया जाए तो जिस कुंडली में अगर बैटरी नहीं भी हो उसमें भी करंट आ जाता है। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े, लेकिन ये नहीं पढ़े कि किसी धातु का बना कुंडली में वो चक्करदार, यानी कि जो धारा को होती है वो चक्कर के फॉर्म में हमें धारा प्राप्त होगी। मतलब कि ऐसे ये धारा का दिशा है, इसी को हम लोग बोलते हैं भंवर धारा, भंवर धारा। ठीक है, यानी कि आप ये लिखिएगा कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु का टुकड़ा को अगर उसमें रख दिया जाए तो उसमें धारा का जो मान होती है वो चक्करदार होती है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भंवर धारा। और भंवर धारा इसीलिए बोला गया क्योंकि इसमें धारा जो है चक्करदार हो जाती है। और याद रखिएगा, भंवर धारा का खोज 1875 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस धारा को फोको धारा भी कहा जाता है। हालांकि फोको धारा एग्जाम में नहीं आया है अभी तक, भंवर धारा ही आया है, लेकिन आप इस नाम को भी याद रखिए क्योंकि हो सकता है फोको धारा के बारे में आ जाए। ठीक है, तो फोको धारा ही क्या कहलाता है, भंवर धारा। तो इस फिगर को आप बना लीजिएगा कॉपी में। और सबसे अच्छा बात यह है कि हम लोगों का जो अभी जो चैप्टर चल रहा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये चैप्टर हम लोगों का आज एंड हो गया है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला क्लास हम लोगों का आज एंड हो गया है, समाप्त हो गया है। हम लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे तो उसके अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। सबसे अच्छा टॉपिक्स, इंपोर्टेंट टॉपिक जो प्रत्यावर्ती धारा है। ये बोले कि खंड कितना का है, तो जरा देख लेते हैं, ये खंड 2 का सबसे लास्ट चैप्टर है, यानी कि बहुत अच्छा हम लोग मोड़ पे पहुंचे हैं कि खंड 2 का है, यानी कि धारा विद्युत हम लोग पढ़ रहे हैं, अब धारा विद्युत का हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगले क्लास में, नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।